हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही है, जिन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग उपेक्षित है। हमारा प्रयास है कि लाइन लॉस को भी कम किया जाए ताकि बिजली की दरें कम की जा सके। इससे ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में केवल आम उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं को भी शामिल किया गया है और ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकारी विभागों की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का जो बकाया था उसमें से लगभग 1150 करोड़ रुपए वसूल किया जा चुका है और महज 350 करोड़ रुपए शेष है, जिसे भी जल्द वसूल किया जाएगा। हमारा ये है कि एक गवर्नमेंट और जो यूजर्स हैं उनमें बढ़िया अच्छे संबंध बने और वो अच्छे पे मास्टर बने, जो थोड़ा बहुत कहीं बिजली के बिल बकाया नहीं आ रहे उसे हम प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बिल पे करें। हम उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, जहाँ इन्हें पोल चाहिए, नई लाइनें चाहिए वो इन्हें दें और एक अच्छे आपस में रिश्ते बने। ये करके ज़रा एक गुड ह्यूमर में इसे कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों से पंचायत कर देखिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं आपसे बताऊं, पहले हमारा जो लॉस था 2014 में 30% था लाइन लॉस और अब ये घट के 14 हो गया, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि अगर ये 18 से नीचे आता है तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, हम 14 पे आ रहे हैं, इसे और कम ला रहे हैं। देखिए मोड ऑफ पेमेंट है, ये तो कभी बदले जाते हैं, हर स्टेट के अपने अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी नहीं, पेमेंट तो आ रही है ना, वो चेक से आए कैश आए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। देखिए रोहतक सोनीपत का ज़्यादा एरिया है, कुछ जींद का भी है, कुछ भिवानी का भी है, सिरसा फतेहाबाद में कम है कम्पेटली, हिसार में भी कम है, पर फिर भी है। यहाँ कुछ एरिया जैसे आपका हांसी सब डिवीज़न है जिसमें काफ़ी लोग हैं, नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी हैं, हांसी जो तहसील आते हैं या इसे सब डिवीज़न कह दें इसी में थोड़ा है, बाकी कुछ फतेहाबाद का कन्नड़ी समैन वगैरह ये गांव है, इनमें है गोरखपुर है और हो रहा है जी काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो मेरे ख्याल में कोई 360 करोड़ रुपये है, पहले बहुत था 1500 था, काफ़ी रिकवर हुआ है। वैसे आज दैनिक जागरण में छपा भी है, मैंने कल वहाँ इंटरव्यू में कहा भी है काफ़ी रिकवर कर, जब उठा लेंगे तब आपसे बता देंगे, पहले कुछ बातें हम कह देते हैं और होती कुछ और तरीके से, मीडिया को उसे और तरीके से लगा देता है। अभी जैसे सिरसा में मैंने कहा था कि भाई जैसे सरपंच के इलेक्शन के लिए आपके असेंबली इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के लिए एक नो ड्यूज कंपलसरी हो गया, तो मेरा मीडिया वालों से कहने का था भाई कल को बिजली विभाग में भी ऐसी कोई बातें हो सकती है, तो उसको लगा दिया रणजीत सिंह ने बच्चों को मना कर दिया, ये कर दिया, मतलब बेकार की बात है। उसको जो कहा नीमन का कल रोहतक में भी थे, मैं कहने को वो वीडियो की क्लिप निकालने जिन जो ये कहते हैं, तब है थी नहीं कोई ऐसी बात नहीं। उसमें एक दिक्कत आती है कि जो मकान मालिक है उसके ऊपर दो ऊपर टेनेंट रहते हैं, 3-story 4-story बिल्डिंग हैं गुड़गांव में, सोनीपत में बहुत हैं ऐसी बिल्डिंग, तो वहाँ कल को लोग कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि सब मेरे तो किराएदार थे, उनका मीटर अलग अलग है, मैं उनके लिए कैसे दूँ, तो बड़े लिटिगेशन में चले जाते हैं ऐसे मामले। तो शुरू में समझा कि इसमें और उलझेंगे तो इसे ना उलझाया जाए, इस करके अभी इस पर डेफर कर दिया गया कोई निर्णय। देखिए हमारे मुख्यमंत्री बहुत ऑनेस्ट हैं और हर चीज़ जो है नियम से जो ले डाउन प्रोसीजर है उसमें पैरामीटर्स में सब कर रहे हैं। अगर मेरे खिलाफ़ भी कोई करप्शन का चार्ज लगता है तो चीफ मिनिस्टर का अपना प्रियोरिटेटिव है, उसे कर सकते हैं, ये उन्हीं के विवेक पे डिपेंड करेगा, ये ना मैं उसमें मेरा कोई जवाब बनता ना कोई दूसरे मिनिस्टर का बनता। कांग्रेस में एक आदत बनी है, यार भजनलाल जी कहा करते थे सब ठीक हो जाएगा, उडाट जाएगा मैं बन जाऊँगा, ऐसे ही उडा साहब उनसे ये बातें सीखे हुए हैं, कहते हैं सरकार कहीं नहीं जा रही, सरकार 5 साल चलेगी।